हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर में बात की थी अबाउट इनोलेट रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी हमने, ठीक है। इसके बाद हमने केनिजारो रिएक्शन देखी है, ठीक है। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट की रिएक्शन देखी हमने, ठीक है। क्लेजन कंडेंसेशन हमने देखा, ठीक है। तो आज हम एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेम टाइप के मैकेनिज्म हैं सभी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं पर्किन रिएक्शंस, ठीक है। तो पर्किन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पर्किन रिएक्शन में आप बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हो, इसे हम क्या बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और जो आप बेस काम में लेते हो वो हम काम में लेते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस, ठीक है। और सॉल्वेंट काम में लेते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस इस तरीके से हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास, वो प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास PH, CH डबल बॉन्ड CH, सी डबल बॉन्ड O, OH, इसे हम बोलते हैं सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इससे रिएक्शन कराते हैं, सेकंड स्टेप में हम H+H2O से रिएक्शन कराते हैं, और थर्ड स्टेप में हीटिंग करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की कैसे होता है, ठीक है। जैसा हमने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन देखी थी आपकी, उसी टाइप की रिएक्शन होती है यहाँ पर भी। जितने भी इनोलेट टाइप की रिएक्शन है वो हम देखते हैं। ये बेस हमने काम में लिया, ठीक है। बेस का काम क्या है, H+ निकालना। H+ कहाँ से निकालेगा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट पास वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH2H, ये H आपको बेस निकालेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, बेस है आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ठीक है। बेस आपका यहाँ से H+ निकालेगा, और एक तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3, सी डबल बॉन्ड OH, और जो एनायन बनेगा यहाँ से दैट इज CH2, सी डबल बॉन्ड O, O, सी डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। अब एक बार एनायन बन चुका है, एनायन अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजाल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में आपके पास PH, सी डबल बॉन्ड O, H, इसको मैं PH लिखता हूँ, ठीक है। PH, सी डबल बॉन्ड O, H, इस पर रिएक्शन होती है किसकी, एनायन जो आपके बना हुआ है CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड O, O, सी डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। यहाँ से आप रिएक्शन कराइए, अटैक करवाइए कार्बन पर, पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, ठीक है। चलिए, तो PH, सी, O माइनस, H, CH2, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आपकी रिएक्शन बेस के साथ और उसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपके बन गया, फर्स्ट स्टेप होगी। नेक्स्ट स्टेप होगी प्रोटोनेशन, दैट इज H+ और H2O के साथ रिएक्शन। तो जैसे ही हम इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे, रिएक्शन विथ H+H2O, H+H2O के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, प्रोटोनेशन से ये तो O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरीके से प्रोटोनेशन करवा दीजिए, रिएक्शन करवा दीजिए HOH के साथ, HOH, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको जोड़ दीजिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है।
और इस कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, पी एच सी ओ एच एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और साथ में बनेगा आपके पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिटिक एसिड, क्लियर है। तो सेकंड स्टेप से H प्लस H2 से आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज थर्ड स्टेप, उसमें क्या होगी आपकी हीटिंग होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप को भी मैं यहीं पे नोट करवा देता हूँ आपको। हीटिंग जब हम इसकी करेंगे, ये कार्बन सी डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा बीटा, अल्फा से तो H निकलेगा, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ सी एच एच, तो अल्फा से H निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा आपका ओ एच, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच डेस सी डबल बॉन्ड ओ एच विद द लॉस ऑफ वाटर एच टू, और इसे हम क्या बोलते हैं आपका सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड, क्लियर है। तो पर्किन रिएक्शन से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिनामिक एसिड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बेंजल्डिहाइड की आप रिएक्शन करवाइए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। जो सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ग्रुप है, जो एसिटिक का ग्रुप है, उसी का आप बेस लीजिए, उसका कॉन्जुगेट एसिड लीजिए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में एच प्लस एच टू के साथ रिएक्शन करवाइए, और थर्ड स्टेप में करवाइए हीटिंग। फर्स्ट स्टेप में जो बेस है एच प्लस निकालेगा, यहाँ से एच प्लस निकाला एनायन बना, एनायन ने अटैक किया बेंजल्डिहाइड के ऊपर, यहाँ से प्रोडक्ट बना। इस पे आपने सेकंड स्टेप करवाई H प्लस H2 की, O माइनस प्रोटोनेट हो जाएगा OH, H2O से जब जी रिएक्शन होगी तो आप ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ दीजिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बनेगा एक, ये प्रोडक्ट बनेगा। जब इसको हीट किया जाएगा थर्ड स्टेप में, तो अल्फा और बीटा के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है और डबल बॉन्ड को प्लेस करना है, आपका फाइनल आंसर होगा सिनामिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट ध्यान रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैकेनिज्म ध्यान रहे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है यहाँ कभी मिथाइल की जगह इथाइल दे दे, कुछ और चेंजेस कर दे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म याद रहेगा तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी रिएक्शन है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो विद इन 1 or 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन चेंज होगा तो आप कर सकते हो, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार आप इसे नोट कीजिए, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। बेंजल्डिहाइड की आपने रिएक्शन कराई ई टी, या ऐसे लिखता हूँ मैं सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। बेस आप काम में लोगे ई टी या फिर सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस और ई टी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एच प्लस एच टू, थर्ड स्टेप हीटिंग, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से एच प्लस निकलेगा और यहाँ पे एनायन बनेगा, ठीक है। तो फिर इसका अटैक करवाना है आपको यहाँ पर। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एनायन बनेगा, इस पे अटैक होगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एनायन बनेगा आपके पास सी एच, ये सी एच थ्री, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ
सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, मैं ई टी लिखता हूँ ठीक है। चलिए यहाँ पे आप इसका अटैक करवाइए, ये पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में ठीक है। पी एच सी ओ माइनस एच सी एच सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन करवाइए, एच प्लस एच टू से रिएक्शन होगी, ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे आप ऐड करवा दीजिए वाटर ठीक है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा पी एच सी, ये तो हो जाएगा प्रोटोनेट ओ एच, यहाँ बनेगा एच सी एच सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस ई टी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है। और जब हम इसे हीट करेंगे तो ये अल्फा, ये आपका बीटा, अल्फा बीटा के बीच में से एच, यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच निकलेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच विद द लॉस ऑफ वाटर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये सिनामिक एसिड तो नहीं है क्योंकि आपने चेंज कर लिया ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म पता होगा तो आप कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ठीक है। हमने रिएक्शन कराई सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने लिया एच प्लस एच टू और थर्ड स्टेप हमने लिया हीटिंग ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए तो देखिए यहाँ से निकलेगा एच ठीक है, क्योंकि यही अल्फा कार्बन है, यहाँ एन एन बनेगा और इस एन एन का यहाँ पर अटैक होगा ठीक है। तो जो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, कार्बन का यहाँ पर अटैक कराइए, ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में ठीक है। तो चलिए इसके बाद रिएक्शन होगी आपके यहाँ से, जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, सी ओ माइनस एच ठीक है, यहाँ आएगा आपका सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H प्लस एच टू ओ के साथ, तो ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ एच ओ एच इस तरीके से, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, ओ सी ओ एच एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे हीट करेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में से आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्लियर है। आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा तो सही किया होगा ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। H C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ में, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप H प्लस H2 और थर्ड स्टेप में हीटिंग, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट में, वो था आपके पास पीएच सी डबल बॉन्ड एच, ठीक है, तो आंसर आया था आपके पास पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएच सी डबल बॉन्ड ओएच, ठीक है। अब यहाँ पीएच की जगह क्या आ गया है, एच आ गया है, तो आप सिंपली पीएच की जगह एच लिख दीजिए, तो सी एच किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके सी एच टू में, ठीक है, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड OH, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई एम श्योर आपका यही आया होगा आंसर, ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच बेंजाइलडिहाइड की रिएक्शन हमने कराई, पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू पी एच, ठीक है, बेस हमने काम में लिया पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस, साथ में पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप H प्लस H2O और थर्ड स्टेप आपकी हीटिंग, क्लियर है। तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। देखिए जब आप वीडियो को पॉज करोगे ट्राई करोगे तभी आपका इंटरेस्ट आएगा लेक्चर में, ठीक है, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा लेक्चर में कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है, आप यही सोचते रहोगे। तो जब मैं बोलूँ वीडियो को पॉज करो तो पॉज किया करो और ट्राई किया करो, एटलीस्ट एक स्टेप होती है दो स्टेप होती है जितने भी स्टेप हो ट्राई किया करो, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है ये आपके लिए, ठीक है। पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच इसकी रिएक्शन होगी, एनायन बनेगा इस कार्बन से जो अल्फा कार्बन है यहाँ से, ठीक है, तो सी एच इससे जुड़ा हुआ है आपका पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू पी एच, ठीक है, यहाँ आप अटैक करवाइए, पाई को शिफ्ट कीजिए लोन पेयर में, ठीक है, तो पी एच सी ओ माइनस एच, ठीक है, सी एच पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू पी एच, ठीक है, इस स्टेप से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रोटोनेशन कराओगे H प्लस एच टू के साथ में, तो ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा, और यहाँ करा दीजिए वाटर के साथ रिएक्शन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरीके से पी एच सी ओ एच सी एच पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और साथ में रहेंगे आपके पास पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और जब हम हीटिंग करवाएंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी सी पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच विद द लॉस ऑफ वाटर, क्लियर है।
तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? आई होप क्लियर हुई होगी ये आपको परकिन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक और टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन। आप लोग भी सोचते होंगे कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। ठीक है, पहले तो रिएक्शंस के नाम ही याद नहीं होते हैं। ठीक है, रिएक्शन का मेथड तो बाद में याद रहेगा, पहले आपको रिएक्शन के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बोला है कि नाम याद रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जो मेथड है, मैकेनिज्म है, तरीका है, वो याद रखो, क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, कोई नाम से रिएक्शन पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए नोवेंजल रिएक्शन से भी आप सिनामिक एसिड बना सकते हो। इसमें भी हम बेंजल्डिहाइड काम में लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम, और इसमें हम रिएक्शन किसी भी जैसे एस्टर हो गया उसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, और ये रिएक्शन हम बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं आपके, लाइक बेस आप ये ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पीरिडीन ले सकते हो। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ले सकते हो, ठीक है, या फिर आर ओ माइनस भी ले सकते हो। ठीक है, वही फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपकी H प्लस एच टू, और थर्ड स्टेप हीटिंग। तो जो फाइनल आंसर बनता है, सिनामिक एसिड बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में बेस है, बेस का क्या काम है, H प्लस निकालना। कहाँ से निकालेगा, यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप में आपके यहाँ से H प्लस निकलेगा, बेस निकालेगा। आप बेस कुछ भी ले सकते हो, ये ठीक है, मान लो नाइट्रोजन कंटेनिंग आपने बेस लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा, एनायन बनेगा CH H। ठीक है, C डबल बॉन्ड O OR, C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, यहाँ से ये H प्लस निकालेगा, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, N नाइट्रोजन H, H नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ बन जाएगा आपका एनायन, दैट इज सी एच लोन पेयर माइनस C डबल बॉन्ड O ओ आर, सी डबल बॉन्ड O ओ आर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस एनायन का अटैक होगा किसके ऊपर, बेंजल्डिहाइड, दैट इज पी एच सी डबल बॉन्ड O H। इस पर अटैक करवाइए आप सी एच लोन पेयर माइनस C डबल बॉन्ड O ओ आर, सी डबल बॉन्ड O ओ आर। ठीक है, यहाँ पर अटैक होगा, पाई किस में कन्वर्ट होगा आपके, लोन पेयर में, तो पी एच सी ओ माइनस एच। ठीक है, सी एच सी डबल बॉन्ड O ओ आर, सी डबल बॉन्ड O ओ आर। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम कराएंगे प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप दैट इज H प्लस H2 के साथ रिएक्शन, प्रोटोनेट हो जाएगा। एस्टर की जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ, तो H OH, फिर से इसी टाइप से रिएक्शन करवा दीजिए आप, H OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ में। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐड कीजिए आप H OH, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मैं ऊपर लिखता हूँ,
एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। क्लियर? चलिए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है थर्ड स्टेप में, दैट इज इसका तो हो जाएगा प्रोटोनेशन, ठीक है, पीएच सी ओ माइनस एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसको मैं यही नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बेटर रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा आपके पास पी एच सी ओ एच एच सी एच सी ओ ओ एच, यहाँ भी आएगा सी ओ ओ एच, ठीक है, और साथ में टू मोल्स ऑफ आर ओ एच बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास बना है, ठीक है, पी एच सी ओ एच एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब जैसे एक कार्बन के ऊपर दो ऑक्सीजन क्या होते हैं, अनस्टेबल, आपके दो ओ एच क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वैसे ही एक कार्बन के ऊपर दो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो एक सी ओ टू मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं। तो पी एच सी ओ एच एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ जुड़ जाएगा केवल हाइड्रोजन, ठीक है, इस स्टेप से बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको हीट करवाएंगे, हीटिंग, तो अल्फा और बीटा, अल्फा से एच बीटा से ओ एच निकलेगा, फाइनल आंसर विल बी पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दैट इज सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। तो सिनामिक एसिड बनाने का ये एक और तरीका है, ठीक है। आई होप पिछले वाला क्लियर हुआ होगा, सेम उसी तरीके है, बेस आपने चेंज कर लिया, ठीक है, रिएक्टेंट चेंज कर लिया है, बेंजाल्डिहाइड लिया है हमने, ठीक है, एस्टर के साथ रिएक्शन करवा दो, पहले एनायन बन जाएगा, एनायन का अटैक करवा दीजिए बेंजाल्डिहाइड पर, जो प्रोडक्ट बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ आर, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, लेस से मोर को जोड़ दो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ दो, यहाँ पर आ जाएंगे एक कार्बन पर दो सी डबल बॉन्ड ओ एच जो कि अनस्टेबल होते हैं, CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है यहाँ पर प्लस CO2, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एसिड बन जाता है, ठीक है। लास्ट में जब हीट करेंगे अल्फा और बीटा में से H और OH बाहर निकलेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है, सेम तरीका है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके का है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, आर ओ माइनस एन ए प्लस आर ओ एच एच प्लस एच टू ओ और हीटिंग, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बनाना है, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ से एनायन बनेगा, ठीक है, तो इस टाइप से आप रिएक्शन कराइए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ बनेगा एनायन सी एच लोन पेयर माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, कार्बन का अटैक करवाइए, पाई शिफ्ट होगा किसमें, लोन पेयर में, ठीक है, इस टाइप से आपकी रिएक्शन हो जाएगी, सी ओ माइनस एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर
सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको प्रोटोनेट करेंगे एच प्लस एच टू के साथ रिएक्शन होगी, तो ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा, ओ माइनस ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप एच ओ एच देख लीजिए, आर ओ एच, यहाँ से भी एच ओ एच आर ओ एच, तो दो मोलिक्यूल आर ओ एच के निकल जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा आपका, ऑक्सीजन सी ओ एच एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पे बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस ट्वाइस आर ओ एच, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा आपका सी ओ टू, अनस्टेबल है, प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ओ सी एच ओ एच सी एच सी ओ ओ एच, और यहाँ से जुड़ जाएगा एच, तो ये हो जाएगा सी एच टू, ठीक है। और जब हम इसे हीट करेंगे तो अल्फा से एच और बीटा से ओ एच निकलेगा, और फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच विद द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है, आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं आपका सी एच टू, एस्टर की जगह हम लेते हैं साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई हमने आर ओ माइनस एन ए प्लस आर ओ एच फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एच प्लस एच टू ओ के साथ में, और थर्ड स्टेप में हमने लिया हीटिंग, ठीक है। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप में यहीं से एनायन बनेगा आपके पास, तो अगर हम देखें मेथड पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस पे रिएक्शन होगी सी एच माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। सबसे पहले एनायन का टेक पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, ठीक है। चलिए पी एच सी ओ माइनस एच सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा एच प्लस एच टू के साथ, अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो पी एच सी ओ एच, ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा एच, और साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके एसिड में, सी डबल बॉन्ड ओ एच में, क्लियर है। क्योंकि साइनाइड की रिएक्शन कराने पर वाटर से सी डबल बॉन्ड ओ एच बनता है, ठीक है। और दो ओ एच दो सी डबल बॉन्ड ओ एच अनस्टेबल है, एक सी ओ टू माइनस होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा पी एच सी ओ एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ये सी एच टू हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये अल्फा ये बीटा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्लियर है। फिर से सिनामिक एसिड बन जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से क्या है, आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे ये आया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, पहले भी शायद मैंने बताया हुआ होगा, और नहीं बताया हुआ तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लेस से आप ऐड कर दो, ठीक है। एच ओ एच, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड से आपका ब्रेक हो जाएगा, एच ओ एच एच ओ एच, तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एन एस सी बाहर, और एक कार्बन पर हो गए सी ओ एच ओ एच ओ एच, अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बन जाएगा आपके पास,
ठीक है, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है आपके पास, एसिड। क्लियर है, इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। करें स्टार्ट। चलिए ऐसा करते हैं, साइनाइड की जगह अब हम लेते हैं एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई फर्स्ट स्टेप में आर ओ माइनस एन ए प्लस आर ओ एच, सेकेंड स्टेप में एच प्लस एच टू ओ के साथ में, और थर्ड स्टेप में हमने हीट किया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें रिएक्शन, तो पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इस पर एनायन का अटैक होगा सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। एनायन का यहाँ अटैक करवाइए, पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में। ठीक है, पी एच सी ओ माइनस एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम प्रोटोनेशन करेंगे, तो अब प्रोटोनेशन के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका पी एच सी ओ एच एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे हीट करेंगे एच प्लस, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में जब हम हीट करेंगे तो अल्फा से आपका क्या निकलेगा एच, और बीटा से क्या निकलेगा आपके पास ओ एच। ठीक है, तो ये अल्फा, ये आपका बीटा, एंड द फाइनल आंसर विल बी पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एच निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन कर करके ही चीज़ें समझ में आएगी, बिना क्वेश्चन के समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये फोर्थ क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, बेंजाइल डिहाइड की रिएक्शन कराइए सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर, और एक मान लो दे दिया साइनाइड, मिक्स टाइप में दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको आप कर सकते हो आई एम श्योर। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए देखिए पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एन आयन बनेगा सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यहाँ बनेगा आपका सी एन साइनाइड। ठीक है, यहाँ अटैक करवाइए, पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में। ठीक है, तो पी एच सी ओ माइनस एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम प्रोटोनेशन करवाएंगे एच प्लस और एच टू ओ के साथ में, यहाँ तो हो जाएगा ओ एच, यहाँ रिएक्शन करा दीजिए आप सेम एच ओ एच की तरह, आर ओ एच बाहर, यहाँ साइनाइड, साइनाइड से क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो पी एच सी ओ एच एच सी एच, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ बन जाएगा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब एक एच टू ओ का क्या हो जाएगा, सी डब सी ओ टू का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आप लॉस करवा दीजिए माइनस सी ओ टू, पी एच सी एच ओ एच सी एच, और यहाँ आ जाएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा और बीटा से एच ओ एच को माइनस कीजिए जब हम इसे हीट करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच।
विद द लॉस ऑफ वाटर। तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, सिनामिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात की किसके बारे में, परकिन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और सेकंड हमने रिएक्शन बात की नोवेंजल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, दोनों में हम बेंजाल्डिहाइड तो काम में लेते ही हैं। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है मोस्ट, वो आपका क्या होता है, सिनामिक एसिड होता है। दोनों के तरीके एक ही हैं, मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, अब तक जितने भी रिएक्शंस पढ़ते जा रहे हैं तो जितने सबके मैकेनिज्म आप देख रहे होंगे ओवरऑल क्या है, सेम ही है। ठीक है, जिसने सबसे पहले एल्डोल पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, उसको अब तक की सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई है तो फिर से रिवाइज करो, वीडियो देखो, ट्राई करो क्वेश्चंस को। ठीक है, और जब तक खुद से आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो भले ही मैं चार क्वेश्चन करवाता हूँ, कम से कम एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई ही किया करो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। क्लियर है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और इसी मतलब जो भी रिएक्शंस है उनको आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।